और जैसे उसके बाद अभी कैसे सूरज ने भागा मतलब और सूरज चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, तो इसके बाद अभी आवर नेक्स्ट कंटेंडर इज रेडी, जिसका नाम है ऋतिक शिंदे। उनको हमने ऐसे चैलेंज दिया है कि सूरज ने वो पूरा गार्डन का लैप 1:13 में पूरा किया था। सो हमने चैलेंज किया है ऋतिक शिंदे को कि आपको वो चैलेंज 1:20 में करना है, है ना, 1:20। और 1:20 अगर वो पूरा करेंगे तो उनको फ्यूचर में 5 प्लेट मोमोज फ्री मिलेगा। कभी भी फ्यूचर में 5 प्लेट मोमोज फ्री मिलेगा, जब वो चाहे तब उनको 5 प्लेट मोमोज मिलने वाला, ठीक है। सो लेट्स सी ऋतिक डज। भाई अपना कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं है ना सूरज के? नहीं नहीं नंबर 32+41 हाँ बराबर, मार देगा ये। नहीं नहीं फिर सूरज में मिलके ऋतिक ए मैं टाइमर लगा था मैं टाइमर लगा भाई मेरा डिसाइड क्यों मैं तो भाई बिहाइंड द सीन है अभी तो डन रिकॉर्ड हो चुका है टाइमर लगा था मेरे सूरज का कैंसिल अभिषेक की तरफ से नहीं नहीं भाई की तरफ से ये चैलेंज तो लेट्स गो। और जैसे कि बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है तो अभी अपने कैमरामैन को रेडी कर दे। कैमरामैन रेडी? कैमरामैन रेडी? ओके स्टॉप किधर करना है? स्टॉप वॉच इधर आने को। स्टॉप वॉच को किधर वॉच करने का है? अरे अरे किधर स्टॉप को? ओके इसमें 1 मिनट फिनिश लाइन कौन सा है भाई? टाइम ही लग रहा हूं। ये क्या कर रहा था? मैं लगाता ना ब्रो, टाइम सेट हो रहा है भाई। कितना सेकंड पहले आता था ना। एक मिनट गाइस, नहीं इधर इधर नहीं इधर गाइस नाउ लिसन, एक मिनट के लिए ऋतिक का विषय साइड में रखो, वहाँ पे सांप है, चलो सांप देखते हैं। एंड जैसे कि उस व्लॉग के एंडिंग में हमने बोला कि आपको एक सांप दिखाई देगा, बट सांप नहीं दिखा आपने को, है ना जैस? उस दिन भाग गया ना वो, सांप तो दिखा नहीं बट आपने वीडियो तो देख लिया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब राइड विद एबी। और ये व्लॉग छोटा था इसलिए अच्छा था शायद। चलो बाय, टेक केयर, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। क्या देख रहे थे? बाय।